न्याय का महत्व। एक राजा था जिसे शिल्पी कला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश परदेश जाया करता था। इस प्रकार वे कई मूर्तियां अपने राजमहल में ला कर रखते और स्वयं उनकी देख रेख करवाते। सभी मूर्तियों में उन्हें तीन मूर्तियां जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। सभी को पता था कि राजा को इन मूर्तियों से अत्यंत लगाव है। एक दिन एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तभी गलती से उसके हाथों एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को मृत्युदान दे दिया। सजा के सुनने के बाद सेवक ने अन्य दो मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देख सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा करना, यह मूर्तियाँ मिट्टी की बनी है, अत्यंत नाजुक है। अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं है। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने ही अन्य दो मूर्तियों को तोड़कर उन दो व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का भान हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया।